तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर की डिमांड थी कि भैया मंदना के आगे का भी रूट दिखाया जाए, तो लो आप लोगों के लिए लेकर के आ गए हैं। आज हम लोग जाएंगे कन्नौज तक, तो दिखाते हैं आपको कि मंदना से आगे कन्नौज तक का क्या वर्क अपडेट है। वैसे वर्क अपडेट मैं क्या ही बताऊँ, सारी चीज़ें बन चुकी हैं, ऑलमोस्ट सब रोड चालू भी हो गई हैं। कहीं कहीं पर जो थोड़ा बहुत काम चल रहा है वहाँ पर डाइवर्जेंस देखने को मिल रहे हैं, इस तरीके से छोटे छोटे, जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया। ये पहला डाइवर्जन, तो यहाँ पे आपको थोड़ी देर रॉन्ग साइड चलना पड़ेगा। तो इसमें आपको कोई घबराने की बात नहीं है, जो सामने से व्हीकल्स आ रहे हैं उनको भी मालूम है कि यहाँ पे काम चल रहा है, तो जहाँ पर ट्रैफिक नहीं होता है वहीं पर ही ओवर स्पीडिंग करते हैं। फिलहाल तो ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए, पर सभी लोग बच बचा के चल रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है इस रूट का। तो चलो चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको कि कौन सा एरिया कहाँ का है। वैसे मैं बता दूं कि अभी मैं पहुंचने वाला हूं शिवराजपुर के आसपास, तो ये वहीं का ही एरिया है, वहां पे कुछ इस तरीके से आपको निकलना पड़ेगा आसानी से। ये अपने नमस्ते इंडिया के आसपास का एरिया है, वहां फैक्ट्री जो लगी हुई है। चलते हैं आगे, तो इस तरीके से आपको ऐसे हल्का फुल्का कट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिससे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हो इस हाईवे पे। एक बार मैं फिर से बता देना चाहता हूँ कि इस हाईवे को कहते हैं NH 91। चलते हैं आगे। वैसे आप ये देख पा रहे होगा कि हम लोग अपनी साइड पे चल रहे हैं, उस तरफ की जो लेन है वो लोग रॉन्ग साइड से चल रहे हैं, तो अब उस साइड पे थोड़ा बहुत काम चल रहा है तो इधर डाइवर्जन कर दिया गया, तो उन लोगों को इधर से जाना होगा। तो कुछ इसी तरीके से करते करते हम लोग चलते हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पर ही है, कहीं कहीं पर ही है जहाँ पर काम चल रहा है। अभी आप आगे देखोगे चल के कि सब लोग अपने अपने में ही चलेंगे। देखिए वही जो मैंने कहा वही हो गया, अपने लेन पर चलने लगे। यहाँ पे काम पूरा हो चुका है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग अपनी लेन पर चलेंगे और जो दूसरी लेन है वो अपने लेन पर चलेगी। और यहाँ से फिर थोड़ा सा डाइवर्जन देखने को मिलेगा आपको। चलते हैं आगे। इसी तरीके से यार हाईवे पे टेम्पो ऑटो बाइक वगैरह को नहीं अलाउ करना चाहिए, ये बात जरूर मैं कहूँगा। ऑलमोस्ट ज़्यादातर एक्सीडेंट जो होते हैं ना वो इन्हीं छोटे मोटे व्हीकल्स की वजह से होते हैं, क्योंकि ये लोग अपने अकॉर्डिंगली चलते हैं। हाईवे का क्या रहता है कि आप एक लेन पर चलें, तो जो कार्स वगैरह होती हैं या जब बड़े व्हीकल होते हैं वो लेन में चलते हैं। लेकिन बस अब यही है कि अब क्या कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, आपको दिखाते हैं आगे। छोटा सा मुझे लगा कि बोलना चाहिए इस विषय पर, तो मैंने बोला। ये शिवराजपुर हम लोग क्रॉस करके अब निकल रहे हैं। माफ़ी चाहूँगा, ये शिवराजपुर नहीं है गाइस, ये चौबेपुर है। ये बाहर बाहर से निकलना है, वो जो रोड था वो अगर मैं जाता तो सीधे सिटी के अंदर चला जाता, तो इसलिए ये जो बाहर से बनाया गया है तो ये बाहर से जा रहा है। ये जो हाईवे है ये सिटी के बाहर से बनाया गया, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और आराम से सारी चीज़ें हो पाए। चलते हैं, देख लो यहाँ पे भी सभी लोग फिर से इसी तरीके से आ रहे हैं रॉन्ग साइड से। दिखाते हैं आपको और आगे क्या वर्क अपडेट है। यहाँ पे आपको पूरा इसे देखने को मिलेगा, आप अलीगढ़ तक चले जाओ, आप आराम से इसे चले जाओगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। चलते हैं भाई, क्या व्यू आ रहा है। इस व्यू के लिए एक लाइक तो बनता ही है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो अगर नहीं किया हो अभी तक। चलते हैं आगे। जबरदस्त भाई साहब, तो ऐसे कहीं कहीं पे पुल बने हुए हैं, कहीं कहीं पे रोड बना हुआ है, पूरा हाईवे इसी तरीके से बना हुआ है। लेकिन आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मतलब ये है कि हाँ अब जो हम लोगों को समय लगता था कि हम लोगों को इस रूट पर ट्रैवल करना, तो सिंगल रोड रहता था, काफ़ी प्रॉब्लम होती थी जो भी कानपुर से या कानपुर के आसपास के या इस रूट पर जिनका भी घर पड़ता है या जो भी इस रूट पर ट्रैवल करते हैं उनको ये समस्या पता होगी कि कितनी प्रॉब्लम होती थी। लेकिन अब जब से ये बन गया है हाईवे, भाई साहब ज़बरदस्त, मैं तो कहूँगा ज़बरदस्त चीज़ है। अच्छा लगा देख के कि हाँ चलो, जो हम लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी उसके लिए गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और हम लोगों के लिए इतना बढ़िया सा हाईवे एक लेकर के आ गए हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं यहाँ पर क्या सीन है।
यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो तो जो वाइट लाइनें होती हैं वो वाला काम अभी बाकी है, लेकिन हाँ रोड तो चालू है, सभी लोग जा रहे हैं आ रहे हैं। अच्छा, इस हाईवे की एक मुझे और ख़ास बात लगी, पता नहीं मुझे मैं करेक्ट हूँ या नहीं हूँ, मैं बताता हूँ। इस हाईवे पर आप चलोगे तो आपको कहीं पर भी लाइट नहीं देखने को मिलेगी, लेकिन आप रात में जब ट्रैवल करोगे तो पूरे रोड के किनारे किनारे रेडियंस लगे हुए हैं, आपको दूर तक 5 किलोमीटर तक आराम से अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी नाइट में भी। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, प्लस पॉइंट है इस हाईवे का। अब आप लोग बता देना कमेंट करके कि सभी हाईवेज में ऐसा है या इसमें ही ऐसा है या जैसा भी है, अगर आप लोगों को पता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। होप करता हूँ आप लोग वीडियो पूरा देखोगे और वीडियो को लाइक भी दोगे। एक लाइक करने से क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, कोई अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों के लिए और आते रहेंगे इसी तरीके से आप लोगों के लिए। चलिए देखिए, यहाँ पे हम लोग फिर से रॉन्ग साइड पे चल रहे हैं। यहाँ पे तो यार काम देखने को भी मिला, देख लीजिए यहाँ पे इस तरीके से कुछ काम चल रहा होगा। खैर कोई बात नहीं, वो अपना करेंगे, हम लोग को सिर्फ दिखाना है कि क्या कहाँ पर क्या वर्क अपडेट चल रहा है। यहाँ पर मिट्टी वगैरह का, हाँ इसमें मिट्टी वगैरह में आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आप लोग अगर इस तरीके से रॉन्ग साइड पर चल रहे हो, ये मिट्टी का काम हो रहा है, तो प्लीज़ थोड़ा सा स्लो हो जाना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बिल्कुल पूरी मिट्टी आपके सामने आ जाएगी तो आपको विजिबिलिटी पूरी क्लोज हो जाएगी, आपको दिखेगा नहीं कुछ। होप करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय। Thank you.